आपको हम इस ब्रह्मांड की सृष्टि रचना सुना रहे हैं जो कबीर साहब के आधार पर है। तो उसमें महाप्रलय था, ऐसी धुंधुकार था, केवल सतलोक में वो अविनाशी परमात्मा सत्पुरुष रहता था। उन्होंने अपने शब्द से 17 शब्द उच्चारण किए अपनी शक्ति से, और 17 शब्दों से एक शब्द से तो वहां के सभी लोक रच दिए, सतलोक के दीप खेड़े वहां पर जो बनावट से वह न्यारी है यहाँ से, और 15-16 शब्दों से 16 पुत्र उत्पन्न किए वहां के देवलोक, वहां जो सतलोक की जो सृष्टि वहां की। उसमें पहले शब्द से सभी लोक आदि रच दिए, दूसरे शब्द से कूर्म नाम के पुत्र की उत्पत्ति की, तीसरे से ज्ञानी, चौथे से विवेक, पांचवें से तेज, छठे से सैद, संतोष, सुरति, आनंद, अक्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिन, प्रेम, दयाल, धैर्य, और 17वें से योग संताय। ये इनके पुत्रों के नाम हैं जो सतलोक में होते रहती है। इस प्रकार सतपुरुष ने 17 शब्द उच्चारे, जिसमें 16 शब्दों से 16 पुत्र, एक शब्द से सब दीप लोक, मानसरोवर आदि सतलोक में रच दिए। 16 पुत्रों को नारे नारे लोक देकर उनमें रहने की उनको कहा। उसमें अन्य कंस्ट्रक्शन और करनी थी, उसके लिए अचिंत नाम के अपने पुत्र को जो 12वें नंबर का है उसको कहा कि आप सृष्टि रचो, वहां के लोक रचो।